कोमल्स किचन, आज हम बनाएंगे सभी की फेवरेट, खासकर से बच्चों की फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम। तो आज मैं आपको सिर्फ तीन चीज़ों से बनने वाली बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीमी आइसक्रीम बनाना बताऊंगी। तो चलिए क्रीमी चॉकलेट आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप फ्रेश क्रीम। ये क्रीम एकदम ठंडी है और आपको ये क्रीम किसी भी दूध डेयरी से आसानी से मिल जाएगी। कंडेंस मिल्क हम यूज़ करेंगे 1 कप, ये होममेड कंडेंस मिल्क है, इसकी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। और कोका पाउडर हम लेंगे 1/2 कप, ये कोका पाउडर भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे और कोका पाउडर को भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैं स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो हैंड विस्कर या किसी स्पून से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो आप देखिए कि कोका पाउडर जो है वो कंडेंस मिल्क में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और एक चिल्ड बाउल लेंगे। तो इस बाउल को मैंने 2 घंटा पहले फ्रीजर में रख दिया था, बाउल एकदम ठंडा है। तो अब हम इस बाउल में सबसे पहले क्रीम डालेंगे और क्रीम को एक इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर की सहायता से 7 से 8 मिनट के लिए व्हिप कर लेंगे, यानी कि फेंट लेंगे। तो मैंने क्रीम को 7 से 8 मिनट के लिए फेंट लिया है। तो आप देख सकते हैं क्रीम कितनी थिक हो गई है, देखिए। बस हमें इससे ज़्यादा नहीं फेंटना है इसको। अब हम इसमें जो ये कंडेंस मिल्क और कोका पाउडर का मिक्सर बनाया था क्रीम में मिक्स कर देंगे। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और मिला लें, या फिर आप पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं इसमें। लेकिन पहले आइसक्रीम के मिक्सचर को टेस्ट कर लें, उसके बाद ही इसमें चीनी या कंडेंस मिल्क मिलाएं, क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के लिए आप इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर का यूज़ बिल्कुल ना करें। तो इसको स्पैचुला से ये ऐसे हल्के हल्के हाथों से फोल्ड करें एक ही डायरेक्शन में, ज़्यादा तेज़ तेज़ ना चलाएँ इसको। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए हमारा चॉकलेट आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब हम सारे मिक्सचर को एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा ऐसे स्पैचुला से प्लेन कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे। इसको लगाने से बर जमने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और जितने भी आइस क्रिस्टल जमते हैं वो इसके ऊपर ही जमते हैं, आइसक्रीम के अंदर नहीं जाते। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। बस अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, जब तक हमारी आइसक्रीम जो है वो जमकर तैयार हो जाएगी। 12 घंटे बाद मैंने इसको फ्रीजर से निकाल लिया है, आइसक्रीम हमारी जम गई है। अब हम इसका सबसे पहले ये बटर पेपर हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल भी आइस नहीं जमी है, एकदम हमारी क्रीमी आइसक्रीम जमकर तैयार हुई है। अब हम इसको स्कूप की सहायता से निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी क्रीमी और बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बनी है। हमारी क्रीमी चॉकलेट आइसक्रीम बनकर तैयार है। मुझे उम्मीद है ये आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी